अरे आखिरकार मैं कितने टाइम के बाद बाहर निकल रहा हूँ? और एक मिनट, ये क्या हो गया? तो भाई एक मिनट, सामने तो हम लोग का पूरा शहर हुआ करता था। और अरे एक मिनट यार, मेरे घर को क्या हुआ? और अरे ये मेरे घर के बाहर टैंक क्या कर रहा है? और लगता है कि भाई यहाँ पे वर्ल्ड वॉर हो चुका है। तो अभी तुम लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो मैं तुमको बता दूं फ्लैशबैक। तो आज से कुछ टाइम पहले की बात है, जब यहाँ पे न्यूज आई थी कि वर्ल्ड वॉर होने वाला है। तो पहले ये सब स्टार्ट होता है दो कंट्री के बीच में, लेकिन देखते देखते यहाँ पे पूरी कंट्रीज आ जाती है और उनकी आर्मी, उनके टैंक्स, उनके एयरप्लेन, उन सबसे वो लोग हमला करना स्टार्ट करते हैं। और देखते देखते यहाँ पे सब जगह तबाह होना चालू हो जाता है। तो क्या मैं बच पाऊंगा इस वर्ल्ड वॉर में? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक के देखते रहना। और इस वीडियो को लाइक हम लोग रखते हैं 10,000 लाइक्स, और नीचे जो तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है जल्दी से उसे दबा दो। और यार उस वॉर को हुए पता नहीं यहाँ पे कितने महीने बीत चुके थे, और तब से मैं ये वाले घर पे था। और यार तुम लोग देख सकते हो कि भाई सामने वाले शहर की क्या हालत हो चुकी है। और यार वो तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे आके छुप गया था। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक टैंक, काम करते जल्दी से मैं उसमें बैठने का ट्राई करता हूँ। और यार भाई देखो, यहाँ पे मैं शायद बैठ भी चुका हूँ। तो देखो अब मैं जा रहा हूँ भाई खेतों के बीचों बीच से, और चलते भाई और एक बार देखते कि अभी शहर में क्या हुआ है। और यार भाई शायद ना यहाँ पे मेरा टैंक अटक चुका है, काम करते जल्दी से मैं जगह पहले साफ करता हूँ और एक बार और बैठ के आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं। और यार देखो यहाँ पे पहुंच चुके, और यहाँ पे पानी भी है, पानी से भी निकल जाएंगे हम लोग। देखते कि भाई यहाँ पे कोई है क्या अभी। अरे यहाँ पे बहुत सारे पैरट्स है यार, काम करे जल्दी से मैं इन लोग को कुछ खिलाता हूँ यार। और यार भाई देखो अभी ये लोग यहाँ पे मेरे फ्रेंड बन चुके। और यार भाई देखो अब ना यहाँ पे मेरे दो दो पेट हो चुके। और एक काम करो, तुम लोग जाओ कमेंट में इन लोग के नाम लिख दो। और यार यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ बहुत टाइम से, और यार यहाँ पे मुझे एक आदमी भी नहीं दिख रहा यार। और भाई एक मिनट यार, यहाँ पे तो पूरे पूरे घर यहाँ पे टूट चुके हैं, क्या पता भाई यहाँ पे बहुत सारे बॉम्ब गिरे होंगे। और भाई एक मिनट देखो, यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता मुझे दिख रहा है। और यार एक मिनट देखो, यहाँ पे ना मुझे कोई आदमी के यहाँ पे आर्मर और उसके हथियार दिख रहे हैं यार, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई तो है यार। तो भाई काम करता हूँ मैं, चलता हूँ आगे। और भाई एक मिनट, ये कौन है भाई? यार ये है कौन? और भाई मार रहा है यार ये तो, इसको निपटाना होगा। अरे भाई यार ये था कौन? और यार लगता है कि शायद इसने मारा होगा उसको। और भाई एक मिनट, आगे तो पूरे फौज वाले लोग दिख रहे हैं। और यार भाई लेकिन ये लोग है किस साइड से? काम कर दो भाई, मैं जाता हूँ उन लोग से बात करने के लिए। और यार भाई देखो, अगर उन लोग ने अगर मुझे गलती से गन के साथ देख लिया ना, तो लोग मुझे पक्का मारने वाले। या तो एक काम करता हूँ मैं जाता हूँ एकदम खाली हाथ, चलते भाई देखते उनसे बात करते हैं। और यार भाई अभी यहाँ पे वर्ल्ड वॉर का क्या चल रहा है एक बार देखते उन लोग से पूछ के आता हूँ मैं। और भाई एक मिनट, ये क्या हुआ? ओ भाई शिट, अरे यार भाई ये लोग तो देखते मार मार रहे। और यार भाई लगता है यार ये लोग यहाँ पे पागल हो चुके हैं। और यार मैं तो यार तुम लोग से बस पूछने आया था कि वर्ल्ड वॉर का यहाँ पे क्या हो रहा है। और यार लगता है कि मुझे इन लोग को मारना पड़ेगा यार, ये लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अरे यार भाई मैंने अपने पैरट को मार दिया, तो भाई काम करो तुम लोग जाओ कॉमरे। और यहाँ पे देखो आरआईपी। और भाई देखो यहाँ पे मैंने एक को डाउन कर दिया है यार, भाई यहाँ पे दो डाउन हो चुके हैं। भाई यहाँ पे पूरी इनकी फौज आ चुकी है। अरे यार मैं इन लोग के बीच में यहाँ पे कहीं फंस चुका हूँ। और यार भाई काम करते हो यार, अब तो यार इनको यहाँ पे निपटाना होगा मुझे। और यार भाई यार मैंने यहाँ पे अपने दोनों पैरट को निपटा दिया है, अब तो यार मैं इन लोग को बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और यार भाई ये लोग है किस साइड से? और यार भाई देखो यहाँ पे ना मेरे पूरे बुलेट्स खत्म हो चुके हैं। और बस मेरे पास है आखिरी के कुछ पिस्टल यहाँ पे बचे हुए, तो यार देखो अब ना यहाँ पे बस मुझे वन शॉट में मारना पड़ेगा इन सबको। भाई देखो बस यहाँ पे कुछ ही बाकी है, काम करते इसको निपटाता हूँ मैं। और यार भाई यार बस इसके भी बुलेट यहाँ पे खत्म होने वाली है, काम करते भाई बस यहाँ पे आखिरी बंदा बाकी है। ओ भाई यार मैंने यहाँ पे सबको निपटा दिया। और ना ये ना शायद इन लोग ने कुछ टाइम के लिए अपना हेडक्वार्टर बना के रखे थे इस वाली जगह को, तो एक काम करता हूँ मैं चलता हूँ भाई जल्दी से इसके अंदर। और यार भाई देखो यार मैं अभी अंदर तक क्या चुका हूँ। और यार यहाँ पे अभी मुझे बहुत सारे टैंक्स दिख रहे हैं। देखो भाई यहाँ पे अभी भी दो आर्मी वाले। अरे यार भाई शीट, इन लोग ने भी देख लिए यार, भाई अब इन लोग को निपटाना होगा। और भाई बस यहाँ पे लास्ट बुलेट थी, और भाई बस यहाँ पे खत्म हो चुका है यार। भाई यहाँ पे तो बहुत सारी गन्स है यार, और साथ में ये क्या है यार? ये तो मुझे दिख रहा पैराग्लाइडर, काम करते जल्दी से इसको रखता हूँ, क्या पता भाई इसका काम आ जाए। और हाँ यार भाई देखो यहाँ पे एक मैप है, तो यार देखो इस मैप के अकॉर्डिंग मैं इस वाले आइलैंड में हूँ। यहाँ पे अभी भी बहुत कुछ है यार, तो काम करते जल्दी से चलता हूँ मैं यहाँ से। और भाई एक मिनट यार, यहाँ पे तो एक बज रहा है सायरन, और इसका मतलब यहाँ पे फूटने वाला था न्यूक्लियर बॉम्ब। और यार अच्छा यार मैं एकदम सही टाइम अपने घर से बाहर निकला। और भाई बॉम्ब है कहाँ पे? और भाई एक मिनट देखो यार, यहाँ पे प्लेन है, और शायद ये वाले प्लेन से वो लोग यहाँ से निकलने वाले थे। और भाई एक मिनट यार, यहाँ पे कोई तो धमाका हुआ है। और यार एक मिनट यार, अच्छा हो कि मैं यहाँ से भाग गया। अरे यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा गड्ढा हो चुका है। और यार भाई यार किस टाइप का गड्ढा, इतना ज्यादा खतरनाक। और भाई देखो यहाँ पे ना और बहुत सारे बॉम्ब फूट सकते हैं, काम करता हूँ भाई यहाँ पे अभी रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, काम करता हूँ जल्दी से इस जगह से बाहर निकलता हूँ मैं। अरे यार भाई यार यहाँ पे एक बार और बज रहा है भाई सायरन, तो काम करता हूँ जल्दी से यार मुझे इस जगह से बाहर निकलना होगा। भाई यहाँ पे जस्ट अभी बज रहा है भाई बहुत एकदम खतरनाक वाला सायरन। ओ भाई देखो यहाँ पे पीछे में एकदम खतरनाक वाला धमाका हुआ है। भाई आखिरकार मैं लगता है कि यहाँ पे बच चुका हूँ। और यार अब ना मुझे जल्दी से इस वाले शहर से बाहर निकलना होगा। और भाई एक मिनट यार, यहाँ पे मेरे बाकी के दोस्त कहाँ पे गए? डैश और फ्लिक। और यार अब ना मुझे उन लोग को भी यहाँ पे ढूंढना होगा। और यार ये मैं कौन से खेतों के बीचों बीच आ चुका हूँ। और यहाँ पे मुझे सामने में दिख रहा है एक विंड मिल। और यार यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही वीट है। और एक मिनट यार, सामने मुझे दिख रहा है एक शहर। और भाई देखो आखिरकार मैं पहुंच चुका शहर में, और शहर की क्या हालत हो चुकी है। और भाई ऐसा लग रहा है कि अभी शहर में कोई भी नहीं है। काम करता हूँ मैं ना अपने प्लेन को थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। भाई एक मिनट, यहाँ पे क्या हालत हो चुकी है?
और भाई नहीं 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 अरे यार भाई, और यार बस अभी मैं यहाँ पे टकराने वाला था, तो काम करो जल्दी से मैं अपने यहाँ पे पहले प्लेन को लैंड करता हूँ। और यार यहाँ पे मुझे कोई भी स्पॉट नहीं दिख रहा है लैंड करने का, तो काम करता हूँ कहीं तो लैंड करना पड़ेगा मुझे। और यार एक मिनट यार, यहाँ पे कोई तो रॉकेट लॉन्चर मार रहा है। और भाई एक मिनट यार, यहाँ पे मेरे प्लेन में लग चुका है। और मैं अभी नीचे गिर रहा हूँ यार, लेकिन यहाँ पे मेरे पास है पैराग्लाइडर, तो काम करता हूँ जल्दी से इसको चालू करते हैं। और भाई एक मिनट, यहाँ पे मैं आराम से कुछ देर के लिए यहाँ पे ग्लाइड कर पा रहा हूँ, तो काम करते आराम आराम से मैं नीचे आता हूँ। और यार देखो यार, मैं अगर बीच में छोड़ दूंगा ना, तो मैं वापस से स्पीड में गिरना चालू हो जाऊंगा। काम करते आराम आराम से चलते हैं। और यहाँ पे मुझे एक स्पॉट दिख रहा है जहाँ पे मैं लैंड कर सकता हूँ, तो एक काम करता हूँ जल्दी से यहाँ पे लैंड करता हूँ। और यार आखिरकार मैं यहाँ पे सक्सेसफुली लैंड कर चुका हूँ। और यार लेकिन तुम लोग देख सकते हो कि जगह की हालत कितनी ज्यादा बेकार हो चुकी है, और यहाँ पे पूरी पूरी बिल्डिंग टूटी हुई है यार। तो एक काम करता हूँ जल्दी से मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ डैश और फ्लिक को। और यार एक मिनट यार, ये मैं कहाँ पे था? अरे भाई, अरे भाई एक मिनट यार, ये तो मुझे वो दिख रहा है रेलवे ट्रैक, चलता हूँ मैं सामने। और यार देखो यहाँ पे ना मुझे स्टेशन दिख रहा है, और यार ये शायद कोई ट्रेन थी। और यार भाई लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेन थी ये भी यहाँ पे पूरी पलट चुकी है। और यार भाई देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी भी है, ये तो यार पूरा यहाँ पे टूट चुका है स्टेशन, और यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा मुझे। तो एक काम करता हूँ जल्दी से मैं जाता हूँ यहाँ से एकदम नीचे। और यार जस्ट मेरे ध्यान में एक बात आई है कि यार वो रॉकेट लॉन्चर किसने मारा होगा? और यार भाई उसने बहुत ज्यादा खतरनाक एम लगा के मारा था मेरे प्लेन में। और यार वो तो अच्छा हो कि मेरे पास यहाँ पे था पैराग्लाइडर। तो एक काम करता हूँ भाई चलता हूँ जल्दी से। और यार यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ किसी को। और यार मैं यहाँ पे पता नहीं पिछले कितने टाइम से घूम रहा हूँ, और यार यहाँ पे मुझे एक आदमी तक के नहीं दिख रहा यार। ओए कौन है वहाँ? इधर रुक, पट से हेडशॉट मारूंगा नहीं तो। अरे यार भाई ये है कौन? अरे भाई एक मिनट यार, ये तो यार मुझे आतंकवादी दिख रहा है। कोई आतंकवादी नहीं, हिल मत तू। अरे हाँ यार भाई ठीक है, मैं हिल नहीं रहा हूँ। अरे भाई इसके हाथ में गन है, और अगर गलती से अगर इसने मेरे हाथ में गन देख लिया ना, तो क्या पता भाई ये हेडशॉट मार दे। तो लेफ्ट में जगह दिख रही है, चुपचाप आवे चल मेरे पीछे पीछे। अरे हाँ यार भाई आ रहा हूँ यार, तू मार मत। या तो देखो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। और भाई ये है किस टाइप की जगह? और एक मिनट यार, यहाँ पे मुझे दो लोग और दिख रहे। अरे भैया लेकिन तू है कौन ये तो बता। अरे भाई यार एक मिनट यार, ये तो तू है डैश। और क्या, तुझे क्या लगा था? अरे यार भाई अब तूने मुंह पे अपने हेलमेट पहना था, और तो यार मैं तो यहाँ पे देखो पहचान ही नहीं पाया। और यार भाई यार तू यहाँ पे कहाँ पे रह रहा है भाई? एकदम हॉल जैसी जगह ये। और यार भाई ये दो लोग कौन है? यार ये मेरे टीम के मेंबर्स है, ये मेरे लिए काम करते बहुत खतरनाक वाले। और हाँ यार वैसे भी अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे वर्ल्ड वॉर हुआ था, और तब से यहाँ पे पूरी जगह पूरी खंडर बन चुकी है। और यार ये वाले शहर में यार मुझे एक बंदा तक के नहीं दिखा। अरे कोई बचा ही नहीं तो कैसे दिखेगा? कुछ लोग बचे जो मेरे जैसे है बस। यार इस शहर में आर्मी वालों का कब्जा है, अच्छा हो तो आर्मी वालों से भिड़ा नहीं, तो क्या ही होता तेरा। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पे आर्मी वाले भी है क्या? और भाई एक मिनट, फ्लिक कहाँ पे? फ्लिक मुझे क्या होता, कहाँ पर कहीं पर भी होगा भाई। यार जब से वर्ल्ड वॉर हुआ है वो कहीं पर दिखा नहीं है, हो सकता है वो निपट गया हो, या हो सकता है आर्मी वालों ने जेल में डाल दिया क्योंकि उसकी हरकतें खराब है वैसे भी। अरे हाँ यार बात तो तू सही बोल रहा है। और यार हम लोग इस खंडर में रह रहे आर्मी वालों से बचने के लिए। अरे यार भाई क्यों यार, लेकिन यार वो लोग तो अच्छे होंगे ना आर्मी वाले? तो यार वो लोग इस कंट्री के नहीं है, वो लोग बाहर वाली कंट्री के, जिन्होंने कब्जा किया इस देश पर। वर्ल्ड वॉर हुआ था तुझे तो पता है, तो जिसको भी देखेंगे फिर मारेंगे वो लोग। और यार यहाँ पे ना डैश एकदम सही बोल रहा है। और यार ये जगह ना अभी छुपने के लिए अच्छी है यार, लेकिन यहाँ पे कोई भी टाइम पे आ सकते हैं आर्मी वाले। यार तो हमको ना इस जगह से पहले निकलना पड़ेगा जल्दी से। अरे यहाँ पर आर्मी वाले आके देख। अरे यार भाई, अरे यार भाई यहाँ पे तो कुछ ज्यादा आ चुके, और मारो यार इनको। ट्राई करो, रुक जा मार। अरे भाई यार यहाँ पे यार मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है भाई, इन्होंने अपने सीनियर को बता दिया तो खत्म हो जाएगा, सबको मारना ही पड़ेगा, भागो। अरे यार भाई मारो यार इनको। और आते ही होंगे यार, एक साथ इतने नहीं आते, और भी आते हैं यार। लेकिन उससे पहले कि हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाते, एक सोल्जर आता है और डैश के एक दोस्त को यहाँ पे मार देता है। तो काम करो तुम लोग कमेंट में जाके लिखो आरआईपी दोस्त। और यार अपने यार हमको ये जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ से। और यार भाई यार इन लोग ने बहुत गंदा वाला डैमेज दिया यार भाई, कुछ खाने के लिए है क्या भाई? खाने का छोड़, मेरे दोनों दोस्तों को मार दिए, हमको भी नहीं छोड़ेंगे, भाग यहाँ से पहले। अरे हाँ यार भागते पहले यहाँ से। और भाई यार ये जगह तो पूरी खत्म हो चुकी है यार, तुझे खाने का चाहिए था ना, ये ले भाई बहुत सारा खाना मेरे पास। अच्छा तो पोक चोप है, तो काम करते जल्दी से मैं खाता हूँ इसको। और ये डैश यार हम लोग के पास यहाँ पे बहुत कम टाइम बाकी है यार, और भी यहाँ पे आर्मी वाले लोग आते होंगे। यार एक काम करते यार, ओपन में नहीं रह सकते हम लोग, तो हमें बिल्डिंग के अंदर जाना चाहिए, मुझे बिल्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है, जल्दी आ जा, आर्मी का कर्नल बहुत मारेगा नहीं तो हमें। और हाँ यार उसने बहुत सारे लोगों को भेजा होगा यार हम लोग को मारने के लिए, बहुत सारे, तुझे अंदाजा भी नहीं है कितनी बड़ी आर्मी है उसकी। और भाई यार यहाँ पे ना बहुत सारे फ्लोर भी दिख रहे मुझे। और भाई क्या सही जगह यार, यहाँ से ना हम लोग बाहर वाले लोगों को देख सकते हैं यार, लेकिन बाहर वाले लोग हमको नहीं देख सकते, यही तो जगह खासियत है इसकी यार। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे कुछ देर के लिए वेट करते हैं। और यार यहाँ पे अभी हम लोग के पास बहुत कम टाइम बाकी है, क्या पता भाई अगर उन लोग को ये वाली जगह के बारे में भी मालूम चल गया ना, तो लोग यहाँ पे भी आ जाएंगे। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे कुछ देर का वेट करते हैं, और फिर हमको ये वाली बिल्डिंग को भी छोड़ के जाना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन तभी ये खबर पहुंच जाती है कर्नल के पास, और फिर उसके बाद कर्नल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर वो अपने आर्मी वालों को बोलता है कि जाओ जल्दी से उन दोनों को पकड़ के लेके आओ। और फिर उसके बाद वो इनको बोलता है कि हम दोनों इसको जिंदा चाहिए। और इतना सब बोलने के बाद वो यहाँ पे भेज देता है इन सबको हम लोग के पास। यार बहुत गलत हो गया लेकिन एक। अरे क्या हो गया यार? यार इन लोगों ने हमें घेर लिए भाई, मैंने कहा था वो लोग आएंगे हमारे पीछे, टैंक है आजू बाजू पूरे हमारे बिल्डिंग के। अरे यार भाई अब तो हम लोग गए लगता है यहाँ पे, यहाँ तो काम करते देखते हैं। अरे भाई ये क्या भाई, एकदम खतरनाक वाले टैंक्स। और भाई यहाँ पे तो पूरी इनकी फौज आ चुकी है, और शायद इन लोगों को मालूम चल चुका है कि हम लोग यहीं पे है। और यार डैश अभी हम लोग क्या करेंगे भाई, ये तो बता।
मुझे भी नहीं पता यार, सरेंडर करना पड़ेगा शायद। या तो देख यार, यहाँ पे ना फालतू में मरने से अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं और एक बार इनके मेन वाले बॉस से बात करके देखते हैं। क्या पता भाई यार वो कोई अच्छा इंसान निकले। अच्छा इंसान कोई बात नहीं, सरेंडर कर देते, अब कुछ नहीं बचा। अरे हाँ यार, तो भाई चल बाहर चल। और यार भाई अपने हाथ में कोई गन वन मत रखना, वरना वो लोग शूट कर देंगे। और यार अभी हम लोग आ चुके बाहर, और यार हम लोग के पास यहाँ पे व्हाइट फ्लैग नहीं है, और यार हम दोनों यहाँ पे सरेंडर करना चाहते हैं। भाई ये लोग दो तीन मुक्के मारेंगे फिर ही पकड़ेंगे हमें। अरे यार भाई मार क्यों रहे हो? अरे भाई एक मिनट यार, ये हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं डैश? ये शायद इनका हेडक्वार्टर है, हमें शायद ऊपर जाना पड़ेगा। अरे भाई एक मिनट, ये कौन है? भाई ये इनका मेन बॉस है, वो आया देख। अरे भाई रुको, यहाँ पे आ रहा है ये। तो मेरा नाम है कर्नल जेम्स और अब ये वाला शहर मेरे अंडर में, और यहाँ पे जो भी मेरे खिलाफ होगा उसकी मौत पक्की है। या तो तुम लोग मेरे साथ मिल जाओ, वरना फिर तुमको मौत ही मिलेगी। और यार इसने अभी हमको यहाँ पे दिया एक ऑफर, और ये बोल रहे कि या तो हम इसके साथ मिल जाए, यानी कि हम इसकी आर्मी ज्वाइन कर ले, और अगर हम ये चीज नहीं करते तो ये हमें यहाँ पे मार देगा। यार तो डैश हमें क्या करना चाहिए यार? भाई इसकी आर्मी ज्वाइन करना चाहिए यार, कौन मरेगा फालतू में? तू जा मरने, मैं जा रहा आर्मी ज्वाइन करने। अरे हाँ यार तू सही बोल रहा है, तो एक काम करते भाई, हम लोग यहाँ पे आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। और यार आखिरकार हम लोग यहाँ पे बच गए यार डैश। और यार अब आखिरकार हम लोग इनकी आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं यार। तो चलता हूँ भाई मैं यहाँ से आगे। और यार अब इन लोग ने मुझे बताया था कि मुझे यहाँ से अंदर जाना है, और यार यहाँ पे ना बस मुझे अपने कपड़े चेंज करने कि ताकि बस मैं इन लोग की तरह यहाँ पे दिख पाऊँ। और अभी अभी जस्ट इसने मुझे बताया कि मुझे यहाँ से अंदर जाना होगा। यार चलते हैं यार भाई, यार क्या सही वाला रूम है ये। अरे भाई एक मिनट यार, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और यार यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा टेबल है, और चलते भाई देखो ये रहा यार सामने हम लोग का चेस्ट। और यार मुझे यहाँ पे मिल चुका है इन लोग का यूनिफॉर्म, तो काम करो जल्दी से मैं इसको रखता हूँ अपने पास। और यार एक मिनट यार भाई, इन लोग ने मुझे किस टाइप की गन दी है? और साथ में यहाँ पे इन लोग ने मुझे दिया एक एंगल ग्रिप, और यहाँ पे मुझे दिया एक साइलेंसर। तो मैं काम करता हूँ पहले ना अपना जो ये था पहले वाला ड्रेस, इसको मैं फेंक देता हूँ। और पहले तो मैं यहाँ पे इन लोग का यूनिफॉर्म, और अभी यहाँ पे मुझे प्रेस करना पड़ेगा एक बटन। और देखो यार मैं आ चुका हूँ यहाँ पे गन की सेटिंग में, काम करता जल्दी से मैं सबको यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। और राखी का मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ छत में। और यार भाई अभी इन लोग ने मुझे काम दिया है कि यहाँ पे अभी मुझे करना है स्नाइपिंग। और देखो यार मैं कितने दूर तक के देख सकता हूँ। भाई ये क्या लिखा हुआ है यार यहाँ पे, एम्पायर क्यों लिखा हुआ है? और यार भाई देखो यहाँ पे एकदम टॉप में हूँ मैं अभी। और जस्ट अभी अभी हमको यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है कि यार हम लोग के ऊपर यहाँ पे एक हमला हो सकता है। और यार मुझे यहाँ पे एकदम चारों साइड देखना होगा यार, क्या पता वो लोग कोई भी साइड से आ सकते हैं। और भाई एक मिनट यार देखो यार, वहाँ पे मुझे देख रहा है हेलीपैड, और वहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर भी है। और यार भाई एक मिनट यार, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कि यार भाई यहाँ पे ना ऑलरेडी कुछ गार्ड्स है। अरे यार भाई एक मिनट, यहाँ पे है क्या? एक बार देखता हूँ मैं। और यार भाई एक मिनट, उसके लिए मुझे इस पार कूदना होगा। और भाई क्या बचा हूँ मैं? और यार अभी तुम लोग सोचे हो कि भाई यहाँ पे डैश कहाँ पे? यार तो उसको ना इन लोग ने कोई और ड्यूटी दी है शायद। और भाई एक मिनट यार देखो, यहाँ पे सामने में और भी लोग हैं, एक बार इसको मार के देखते हैं। ओ भाई इसको लग रहा है यार। और भाई शिट यार, मैंने तो अपने वाले बंदे को मार दिया। और यार भाई अच्छा हो कि इसने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा। और यार एक ना एक दिन मैं पक्का जाऊंगा उस जेल में, और देखूंगा कि ऐसा उन लोग ने वहाँ पे किसको कैद करके रखा हुआ है कि वहाँ पे इतनी ज्यादा खतरनाक वाली सिक्योरिटी है। और जस्ट अभी ना इन लोग ने मुझे यहाँ पे एक न्यू काम दिया है जो कि है भाई पेट्रोलिंग का। यार तो देखो भाई यार, मैं यहाँ पे किस टाइप की जगह में आ चुका हूँ। और भाई शायद से ना ये यार कोई स्कूल था। और भाई तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे झूले भी है। यार तो भाई चलता हूँ मैं सामने। अरे यार भाई यहाँ पे तो कोई स्कूल हुआ करता था यार, बहुत ज्यादा बेकार हुआ। और यहाँ पे ना अभी इन लोग ने मुझे यहाँ पे भेजा है कि अगर कोई भी ऐसा आदमी दिखता है तो उसको बस हमें मारना है यहाँ पे। और यार भाई हम लोग का जनरल तो कुछ ज्यादा ही पागल है यार। तो भाई चलता हूँ यार मैं अपना काम करता हूँ, क्या पता भाई यार वो कहीं मुझे ना मार दे। और मैं ना अभी यहाँ पे पता नहीं कितने टाइम से घूम रहा हूँ। और भाई एक मिनट यार, यहाँ पे ना मुझे एक बंदा दिख रहा है यार। तो चलता हूँ भाई, ये है कौन? एक बार पूछ के आता हूँ इससे। और यार भाई यार तू है कौन यार? अरे यार भाई मार क्यों रहा है? अरे अरे यार भाई शिट यार, अच्छा हो कि भाई मैंने इसको मार दिया यार। तो चलता हूँ यार भाई मैं वापस से अपने कमांडर के पास। और यार यहाँ पे ना मैं अभी आ चुका एकदम जेल के पास में। अरे यार भाई मार क्यों रहे हो? और भाई यार लगता है कि ये लोग ना यार सामने वाली टीम वाले थे। और यार भाई इन लोग ने शायद मुझे देख लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे भागना होगा। और भाई अब लगता है कि हम लोग के आर्मी में ना यहाँ पे कुछ स्पाई आ चुके हैं, यानी कि जासूस। यार तो भाई अब ना यहाँ पे मुझे देख के चलना होगा। और यार लगता है कि यहाँ पे ना जेल में कोई तो खास आदमी है। और यार यहाँ पे मैं आ चुका हूँ जेल के एकदम पास में। राहुल वही बार रुक जाए, इसके आगे जाना मना है। अरे क्या हुआ यार? अरे भाई एक मिनट, तू क्या कर रहा है यहाँ पे डैश? अरे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ वो छोड़, लेकिन इसके आगे जाना मना है यार। यहाँ पर आर्मी के लोग घूमते रहते 24 घंटे। अरे यार भाई लेकिन यार यहाँ पे ना जेल है, क्या पता यार यहाँ पे कोई एकदम खतरनाक वाला आदमी हो सकता है। यार बात तो सही बोल रहा है, एक काम करते एक बार देख लेते अंदर कौन है। अरे हाँ यार भाई चल एक बार देख के आते हैं। अरे भाई एक मिनट यार, यहाँ पे तो बार है यार, तो हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे यहाँ पे। अरे तोड़ के जाना पड़ेगा, पिकैक्स ले मेरे पास। अरे रुक यार एक मिनट यार, यहाँ पे ना मैं कांच को फोड़ता हूँ। अरे भाई एक मिनट यार, ये क्या आ गया? अच्छा काम करते यहाँ से हम लोग खुद के चलते आ जा भाई अंदर। अरे भाई एक मिनट यार, यार ये तो फ्लिक है यार, ये तो फ्लिक है सच में, मुंह देख उसका पूरा गरीब हो चुका है। तुम लोग कहाँ से आ गए इधर? अच्छा करेगी तुम लोग यहाँ पे आ गए भाई, बहुत दिन से फंसा हुआ हूँ मैं यहाँ पे यार भाई। और इसकी हालत तो बहुत ज्यादा बेकार कर दी यार डैश इन लोग ने। भाई देख पैंट भी फटा हुआ है इसका। अरे ये तो भाई पहले से फटे हुए थे, मैंने फाड़ा था इसको हवा आने के लिए। अरे तुम ये बताओ तुम्हारे पास कोई आर्मर है क्या? जल्दी से मुझे वो दे दो। अरे यार भाई आर्मर एक है यार, एक काम कर तू रख। तू यार भाई जेल में क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे जेल में क्या करते है भाई, मुझे पकड़ लिया था यहाँ कुछ लोगों ने, खाना देते बहुत सही। अरे जब वो आर्मी वाले सिटी पे रेड नहीं मारा था क्या भाई, तब से मैं इधर ही कैद पड़ा हूँ भाई 5 महीने से। और यार भाई बाकी सब बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे ना एक बंदा भी नहीं यार जेल में। अरे जेल में भाई इतना बड़ा जेल का मेरे लिए थोड़ी ना बनाओगे, यहाँ पे पहले बहुत सारे लोग थे, लेकिन यहाँ पे मैं आखिरी बचाऊ। और एक बंदा और था मेरे साथ, उसको बस 1 घंटे पहले ही लेके गए थे वो
वो लोग मारने के लिए। मतलब अभी नेक्स्ट तो तू मरने वाला है यहाँ पे यार, तो भागते फिर। अरे यार भाई एक मिनट यार, अगर बाहर अगर इसको देख लिए ना तो भाई ये लोग मारना चालू कर देंगे फ्लिक को। और यार फ्लिक यार तू जा कर रहा है यार, भाई वो लोग मारेंगे तेरे को बहुत गंदाला। तो एक काम कर, हम लोग ने जो अभी तेरे को ड्रेस दिए वो तू पहन ले। हाँ ठीक है भाई, मैंने पहन लिया इसको। अरे यार भाई बाकी का तो पहन। अरे मैंने पूरा आर्मर पहन लिया। और तुमको पता है क्या भाई, कुछ ही देर में यहाँ पे वापस से अटैक होने वाला है एक नए आर्मी का, वो लोग यही वाले आर्मी को मारने वाले हैं। अरे क्या बात कर रहा है यार, भागना पड़ेगा। और क्या, ये कैसे मालूम तुझे? ये कैसे मालूम, नहीं मैंने तो बताया। अरे यार भाई यार तो काम करते भागते यार। अरे भाई एक मिनट यार, ये है कौन और यार ये मार क्यों रहा है? अरे ये वही आर्मी वाले लोग हैं यार, ये लोग मिक्स हो चुके हैं इनके साथ। अरे यार तो भाई फिर तो यार हमको ये वाला ड्रेस पहनना नहीं चाहिए था। अरे तो मुझे क्या पता भाई तुमने ये क्यों पहना और मुझे भी दे दिया फालतू में। चल यार जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। अरे जल्दी आ जाओ यार मेरे पास। और एक मिनट, ये क्या है? अरे भाई ऑलरेडी लगता है कि यहाँ पे आर्मी वाले आ चुके यार सारे वो। अरे भाई शिट यार, इन लोग ने यहाँ पे देख लिए यार, इनको मारो। तो देखेंगे ना भाई क्या कर रहे तू। अरे यार भाई इनको मारो यार। मार रहा हूँ, खत्म कर दे सब। अरे यार भाई एक मिनट, और यार यहाँ पे तो और भी लोग है। और एक मिनट यार, अरे भाई शिट यार यहाँ पे बहुत कम हेल्थ बची है। स्नाइपर पड़ा, स्नाइपर। अरे हाँ यार स्नाइपर कहीं ना कहीं हो सकता है कोई बिल्डिंग के टॉप में। टैंक लेके भागते जल्दी से। अरे और भाई चल यार, भाई चल के टैंक में बैठ जल्दी। अरे भाई एक मिनट, वो भाई यहाँ पे तो कोई फोड़ रहा है यार। अरे भाई भाग भाग भाई यार, टैंक से दूर भाग। यार भाई कोई तो यहाँ पे टैंक फोड़ रहा है नॉन स्टॉप। भाई उधर से आ रहा, देख कौन है वो बिल्डिंग से। अरे हाँ यार कोई ना कोई बैठा है शायद बिल्डिंग के टॉप में यार। भाग यहाँ से, भागो भागो। फ्लिक का क्या, दबकी मर गया शायद? अरे इनका जनरल मर चुका है भाई। अरे यार तो भाई तू वहाँ पे क्या कर रहा था, भागते यहाँ से? ये आवाज कहाँ से आ रहा है ये क्या बता, ये कुछ आया इधर यार? न्यूक्लियर की आवाज है, भागना पड़ेगा हमें। अरे भागो यार। अरे भाई यार एक मिनट यार, न्यूक्लियर इतने आसानी से हम लोग उससे बच नहीं पाएंगे यार, तुमको भागना होगा यहाँ पे। फूट गया शायद, ये क्या हुआ? और यार ये तो यार कोई नॉर्मल वाला बॉम्ब था शायद यार, लेकिन अब यहाँ पे फूटने वाला होगा न्यूक्लियर बॉम्ब यार। लेकिन ये लोग क्यों मार रहे हैं हमको अभी भी यार? हमें जाना पड़ेगा यार बिल्डिंग के टॉप पर, मैंने हेलीकॉप्टर देखा था एक। अरे हाँ यार भागते यार। और यार क्या पता यार यहाँ पे एक और न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए। और क्या यार, फटने वाला, इधर आओ भाई। फिर से सायरन बज रहा है, भागो जल्दी। अरे यार भाई भागो यार, अब तो हम लोग बचने निकाल ले। अरे यार जल्दी बैठ यार। अरे हाँ यार रुक, बैठ रहा हूँ मैं यार। चल 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 भाई, फूटने वाला, जल्दी निकलो। अरे यार भाई निकलते यार। अरे भाई अब ये वाला शहर भी यहाँ पे पूरा खत्म हो चुका हो भाई। अरे भाई एक मिनट यार, क्या हो गया? हम लोग हेलीकॉप्टर पूरा हिल रहा है। और यार यहाँ पे आई होगी अभी न्यूक्लियर की पूरी शॉक वेव, और इसके कारण हम लोग का हेलीकॉप्टर यहाँ पे पागल हो चुका है। और यार यहाँ पे ये क्या है भाई, इतना खतरनाक वाला मशरूम क्लाउड यार। अच्छा हम लोग सही टाइम पे यहाँ से बाहर आ गए। और यार भाई एक मिनट यार, यहाँ पे तो बस दो हेल्थ बाकी है यार, तो हम लोग चलते यार। कहाँ चलते? लेकिन अब जाएंगे कहाँ पर? तो उसके लिए तुमको देखना पड़ेगा पार्ट 2।